So now coming to the next question, this is question number 18 of set 1, question number 13 of set 2 and question number 15 of set number 3. The question says A, B and C are interior angles of a triangle ABC. Show that first part is sine B plus C upon 2 equals to cos 1 upon, sorry, A upon 2. And second is if angle A equals to 90 degree, then find the value of tan B plus C upon 2. So here I find that a very simple question hai. पहली चीज जो सबसे पहली चीज आपको दिमाग में रखनी है वो ये कि आपको गिवन है कि ए बी सी ये तीनों इंटीरियर एंगल्स है ट्रायंगल के. तो अगर ये इंटीरियर एंगल्स है तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल होगा 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. हमें पता है कि इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है. बस इसी की हेल्प से हम सारा सॉल्व कर लेंगे. अब यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं साइन. अब ये B प्लस सी, अगर मैं B प्लस सी की बात करूं तो A को उधर भेज दो क्या आ जाएगा 180 माइनस A. करेक्ट. B प्लस सी यहाँ पे A बचा है, A को उधर भेजोगे तो ये 180 माइनस A हो जाएगा. मतलब B प्लस सी 180 माइनस A के इक्वल है. अपॉन में हमारे पास 2 है. अब इस 2 को जरा दोनों में डिवाइड कर दो. डिवाइड मतलब इसे 180 अपॉन 2 माइनस A अपॉन 2 ऐसे कर सकते हैं राइट. जब ऐसे भी अगर ये ऐसे भी होता तो भी हम एलसीएम लेते तो ये ऐसे ही आता 180 माइनस है. तो बस अब ऐसे से ऐसे आते हैं, इसमें हमने ऐसे से इधर की तरफ चले गए. तो ये हो गया हमारा 180 अपॉन 2 माइनस ए अपॉन 2. तो 180 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा. ये बचेगा 90 डिग्री माइनस ए अपॉन 2 और ये क्या है साइन. अब मेरे पास आ गया साइन 90 माइनस थीटा. तो आई कैन से कि ये होगा कॉस ए अपॉन 2 बिकॉज 90 माइनस थीटा. अगर साइन 90 माइनस थीटा तो वो कॉस थीटा होता है. ये 90 है, यहाँ पे थीटा क्या है ए अपॉन 2, तो ये हो गया कॉस ए अपॉन 2 और यही आपको प्रूव करना था. तो मैंने आपको बोला ये बहुत सिंपल सा है. ऐसे ही सेकेंड पार्ट पे जाते हैं. सेकेंड पार्ट भी बहुत सिंपल है. इसमें हमें ए की वैल्यू दे रखी है तो हमें फाइंड क्या करना है. वी हैव टू फाइंड टैन बी प्लस सी अपॉन 2. सिमिलरली यहाँ पे भी अभी ऐसे ही होगा, ये है टैन. अब बी प्लस सी, बी प्लस सी क्या है 180 माइनस ए अपॉन 2. अब लेकिन इसमें क्या है, इसमें हमें ए की वैल्यू गिवन है तो हम ए की वैल्यू पुट कर देते हैं. हमें गिवन है कि एंगल ए 90 डिग्री है तो हमने ये वैल्यू पुट कर दी. सो ये आ गया टैन 180 माइनस 90, 90 हो गया अपॉन में 2, 90 अपॉन में 2 इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा टैन 45 डिग्री. अब टैन 45 डिग्री क्या होता है 1. सो देयरफॉर टैन बी प्लस सी अपॉन 2 हमारे पास आ गया 1. ओके सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 18. ऑल्सो हमारे पास इसके साथ एक चॉइस में क्वेश्चन भी है. सो लेट्स कम टू दैट क्वेश्चन. सो अब ये क्वेश्चन हमारे पास चॉइस में है. द क्वेश्चन सेज इफ टैन ए प्लस बी इक्वल्स टू 1 एंड टैन ए माइनस बी इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 3 वेयर ए प्लस बी 0 से बड़ा है बट 90 डिग्री से छोटा है. फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी. सो सबसे पहले तो हमें अगर गिवन है कि टैन ए प्लस बी इक्वल है 1 के, सो वी नो 1 क्या होता है. 1 किसकी वैल्यू होती है टैन 45 की. तो आई कैन राइट टैन ए प्लस बी इक्वल्स टू 1 की जगह आई कैन राइट टैन 45. अब उससे क्या होगा टैन से टैन कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी ए प्लस बी इक्वल्स टू 45. दिस विल बिकम माय फर्स्ट इक्वेशन. मूविंग टू द सेकेंड वन, देन है मेरे पास टैन ए माइनस बी इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 3. अब 1 अपॉन रूट 3 टैन 30 की वैल्यू होती है तो ये हो जाएगा टैन ए माइनस बी और 1 अपॉन रूट 3 को आई कैन राइट टैन 30 डिग्री. करेक्ट. सेम यहाँ पे यही होगा टैन से टैन कैंसिल, ए माइनस बी हो जाएगा 30 डिग्री. तो ये हो गई मेरी सेकेंड इक्वेशन. अब मैं फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करती हूँ. सो सॉल्विंग 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. ये है ए प्लस बी इक्वल्स टू 45 एंड दिस इज ए माइनस बी इक्वल्स टू 30. सो बी से बी कैंसिल हो जाएगा. ये हो गया 2a इक्वल्स टू ऐड कर लो इसको 5, 4, 5, 6, 7, 75, a हो गया 75 अपॉन 2. मींस a की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको हम डिवाइड करेंगे 2, 3 सा 6, 15 बचा 2, 7 सा 14.5. तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 37.5.
5. अब इस a की वैल्यू आप इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो एंड b निकाल सकते हो. सो मेरे पास है a प्लस b इक्वल्स टू 45. सो यहाँ पे हम a पुट कर देते 37.5 प्लस b इक्वल्स टू 45. सो b मेरा हो जाएगा 45 माइनस 37.5. सो ये पॉइंट लगेगा 10 में से 5 गए, हमारे पास आएगा 5. देन ये बचाएगा 44 माइनस 7.5. सो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7.5. हमें a और b की वैल्यू निकालनी थी, a आ गया 37.5 एंड b इज 7.5. ओके, सो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर. दिस वाज 18 क्वेश्चन ऑफ सेट 1, 13 क्वेश्चन ऑफ सेट 2 एंड 15 क्वेश्चन ऑफ सेट नंबर 3. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.